नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज से बच्चों हम क्लास 12 बीए चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बच्चों आयोजन। आज हम आयोजन से पूरा आयोजन जो चैप्टर है बड़ा वो हम पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। एनीवेज ये तो थियोरी का टॉपिक है, लेकिन बड़ा थियोरी के टॉपिक को किस तरीके से आपको अपने माइंड में फिट करना है, मैं कहता हूँ बच्चों आपको रट्टा मत मारिए। आप सिर्फ पॉइंटों को रट लोगे ना तो मज़ा नहीं आएगा बच्चों। आप सिर्फ पॉइंटों को समझने की कोशिश करो। अगर तुमने ये चैप्टर को बहुत ही डिटेल में समझ लिया ना तो आपके लिए ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। शुरू करने से पहले मैं आपको ये टॉपिक्स क्लियर कर दूँ कि एग्जाम में ये कितने नंबर का पूछा जाता है। बच्चों बोर्ड की एग्ज़ाम में ये 10 नंबर का आता है, यहाँ तक तो आपकी बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन बच्चों फर्स्ट एग्ज़ाम में इसका जो वेटेज है ना वो सीधा 15 से 14 नंबर आपको दिलाता है, ठीक है। फर्स्ट एग्ज़ाम में आपको 14 से 15 नंबर आपको ये दिलाएगा, लेकिन बोर्ड में तो फिक्स है कि ये 10 नंबर का ही आने वाला है, राइट। चलिए तो इस प्रकरण में हम क्या क्या पढ़ने वाले बच्चों, आपको इसमें हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन बताएंगे कि एक्चुअल में आयोजन का क्या मतलब होता है, क्या अर्थ होता है, आयोजन क्यों बनाया जाता है, आयोजन क्यों करना पड़ता है, उसके पूरे कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूँ बच्चे। उसके बाद बात करते हैं आयोजन, तो आयोजन की मीनिंग, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट मतलब विचार, उसकी व्याख्या मतलब परिभाषा, उसके लक्षण, उसकी सीमाएँ और आयोजन की प्रक्रिया, आयोजन के प्रकार और आयोजन के घटक, यानी इतने टॉपिक्स को बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले वन बाय वन करके हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि सबसे पहले प्रस्तावना। इस प्रकरण में कभी भी बच्चों कोई भी चैप्टर को पढ़ा करो, सबसे पहले समझने की कोशिश किया करो कि ये जो प्लानिंग है ये क्यों करनी पड़ती है, किस लिए करनी पड़ती है, यह चैप्टर आया तो आया कहाँ से, हर एक बिजनेस के लिए आयोजन क्यों ज़रूरी है, वो सारे चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। जैसे कि प्रस्तावना जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोडक्शन, क्या कह रहा है, व्यवसाय आर्थिक प्रवृत्ति है। आर्थिक प्रवृत्ति का मतलब बच्चों जहाँ पर हम बिजनेस में पैसे कमाने का काम करते हैं, लाभ कमाने का काम करते हैं, और आर्थिक प्रवृत्ति जिनका मेन उद्देश्य क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों, लाभ प्राप्त करना। और अगर आप बिजनेस कर रहे हो, व्यवसाय कर रहे हो, तो आपको जो भी प्रवृत्ति करनी है, जो भी बिजनेस करना है उससे संबंधित आपको बड़ा थोड़ी बहुत जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी, पूर्व विचार करना पड़ेगा, परामर्श करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब क्या होता है कि जानकारी क्यों एकत्रित करनी पड़ेगी, उसके बारे में विचार क्यों करना पड़ेगा। बच्चों अगर आप कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको सबसे पहले ये करना है कि जैसे कि कौन, क्या कर, कब और किस प्रकार से और कितने प्रमाण में करेंगे, भविष्य में उस विषय में हमें पहले से विचार करना चाहिए। यही सब तो कहते हैं आयोजन, कि आयोजन करने का मेन उद्देश्य होता है कि कौन सा कार्य कब और कैसे और किस प्रकार से करना है, उनके बारे में पहले से विचार करना, अर्थात आयोजन। आयोजन जो है बच्चों वो एक सर्वव्यापी है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, हमेशा कंटिन्यूअस चलती रहती है। बड़ा आयोजन हर एक फील्ड में जरूरी है, हर एक जगह पर आयोजन करना पड़ता है, चाहे बच्चों वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो खेल कूद का मैदान हो, चाहे वो बिजनेस हो, व्यवसाय हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे वो इकाई हो, चाहे वो समाज हो, हर एक जगह पर बच्चों आयोजन करना पड़ता है। अब आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, भाई आयोजन किन किन क्षेत्र में जरूरी है। आयोजन चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो खेल कूद का मैदान हो, चाहे वो व्यवसायिक इकाई हो, चाहे वो राजकीय क्षेत्र हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र को इकाई हो या
सामाजिक क्षेत्र हो, सभी जगहों पे बच्चों प्लानिंग करना जरूरी है, क्योंकि बिना प्लानिंग का कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। इसीलिए किसी भी काम को करने के लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है, आयोजन करना पड़ता है, और बिना आयोजन का कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो ये था बच्चों इसके इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताना जा रहा हूं बच्चों कि यहां पर उसके डेफिनेशंस, आयोजन किसे कहते हैं, और बच्चों फिर लास्ट में मैं तुमको एक बेस्ट आयोजन की परिभाषा बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, और वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए। आयोजन, प्लानिंग, भविष्य में क्या प्राप्त करना है, किस प्रकार, इसके लिए विविध विकल्पों का विचार करके विकल्पों की सूची, श्रेष्ठ विकल्प अपनाने की योजना तैयार की, जिसे हम आयोजन, भाई ये भी परिभाषा लिख सकते हो, ऐसे इसमें बहुत सारे विचार कॉन्सेप्ट में भी लिखा है। व्यवसाय, जो प्रवृत्ति करनी हो उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना, पूर्व विचार परामर्श करना, यह प्रवृत्ति किस प्रकार से करनी है इससे संबंधित योजना तैयार करना, अर्थात आयोजन, आप ये भी लिख सकते हो। व्याख्या में भी दिया है, डॉक्टर विली कोर्ट्स ने क्या किया, आयोजन का कार्य अर्थात चुनाव का कार्य होता है, ये भी लिख सकते हैं। डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी के अनुसार उन्होंने क्या कहा था, कार्य की आयोजन अर्थात परिणामों का पूर्व विचार, कार्य का अनुसरण करने की नीति, सोपान, उपयोग की जाने वाली पद्धति निश्चित करना अर्थात आयोजन, ये भी लिख सकते हो। और यहाँ पर लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए रचित बुद्धिपूर्वक सूचित कार्यक्रम अर्थात आयोजन, बच्चे यहाँ पर बहुत सारी परिभाषा दिया है, लेकिन मैं आपको सबसे इजी और सबसे एकदम इजी कॉन्सेप्ट अपनी लैंग्वेज में बच्चों में आपको बताने जा रहा हूँ कि आयोजन किसे कहते हैं, और आपको वही आयोजन की परिभाषा याद रखना है बच्चों। ठीक है, चलिए सीखते हैं। ये रहा बच्चों, देखो, व्यवसाय में जो प्रवृत्ति करनी हो उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना, विचार परामर्श करना, और यह प्रवृत्ति किस प्रकार से करनी है इससे संबंधित योजना को हम क्या कहते हैं बच्चों, आयोजन कहते हैं। फिर से, व्यवसाय में जो भी प्रवृत्ति करनी हो उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना, विचार परामर्श करना, और यह प्रवृत्ति किस प्रकार से करनी है इस संबंधित योजना को हम आयोजन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक। देखो बच्चों, इसमें मैंने प्रस्तावना पढ़ा दिया, आयोजन पढ़ा दिया, विचार बता दिया, व्याख्या बता दिया। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट बड़ा क्वेश्चन, आयोजन के लक्षण। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयोजन के लक्षण बच्चों। ठीक है, अब बच्चों ये एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला कैसे पूछेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है बच्चों, इसमें से 5 नंबर के बोर्ड में 100% आने की फुल गारंटी बच्चों। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे पहले वो समझ लीजिए बच्चों। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये रहा बच्चों क्या लिखा है, आयोजन अर्थात क्या, उसके लक्षण समझाइए 5 नंबर में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। चलिए इसे हम समझते हैं, पूरा डिटेल में समझाऊंगा बच्चों, बस वीडियो में बने रहिए। ये देखिए बच्चों, आयोजन का अर्थ लिखकर उसके लक्षण लिखिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम आयोजन के अर्थ लिखेंगे। चलिए, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से प्रेजेंट करना बच्चों, वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, किस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ और क्या पढ़ा रहा हूँ और कैसे पढ़ा रहा हूँ, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर आप आराम से बैठ करके उसका क्वेश्चन आंसर याद करो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे आयोजन के अर्थ। अब यहाँ पर देखो बड़ा, आयोजन की 2 परिभाषाएं, दोनों में से जो आपको ईजी लगे आप वो कर सकते हो, बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा बच्चों कि ये वाला सेकेंड वाली परिभाषा आपके लिए काफी ज्यादा इजी है। क्या है, व्यवसाय में जो भी प्रवृत्ति करनी हो उससे संबंधित जानकारी एकत्रित करना, विचार परामर्श करना, या प्रवृत्ति किस प्रकार से करनी है इससे इस संबंधित योजना को हम आयोजन कहते हैं।
जैसे कि बच्चों अगर इसके हम लक्षण को और डिटेल में समझे बेटा, अगर आयोजन को और अच्छे से समझना चाहते हो तो उससे लक्षण से पढ़ोगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे बच्चों मैं अगर बात करूँ यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, सर्वव्यापी आयोजन एक सर्वव्यापी है बच्चों। मैं लास्ट में बच्चों आपको ये भी बताऊंगा कि ये सारे पॉइंट्स को याद कैसे रखना है, उसकी ट्रिक भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। डोंट वरी, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है। चलिए, आयोजन एक सर्वव्यापक यानी सर्वव्यापी है बच्चों। आयोजन एक सर्वव्यापी है क्योंकि आयोजन बड़ा हर एक क्षेत्र में आयोजन का कार्य होता है। हर एक क्षेत्र में बच्चों, चाहे वो युद्ध का मैदान हो, चाहे वो खेल कूद का मैदान हो, चाहे वो व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो शिक्षण हो, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो सामाजिक, एवरी फील्ड यानी हर एक क्षेत्र में बच्चों हमें आयोजन का कार्य करना पड़ता है। क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं बच्चों, कोई भी कार्य अगर हम पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो वहाँ पर बच्चों को हमें आयोजन के कार्य करने पड़ते हैं, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। हर एक फील्ड में बच्चों हमको प्लानिंग करना पड़ता है, या बच्चों अगर हम कोई फंक्शन मनाने जा रहे हैं उसमें भी बच्चों हमको प्लानिंग आयोजन करनी पड़ती है। पहला, आयोजन बच्चों सर्वप्रथम कार्य। यस, बिल्कुल सही बात है बच्चों। संचालन का प्रथम कार्य जो होता है बच्चों वो आयोजन तो होता है। आपसे एमसीक्यू में भी यही क्वेश्चन पूछेंगे कि संचालन का प्रथम कार्य कौन सा है, तो आपको बोलना है संचालन का प्रथम कार्य आयोजन है। और संचालन का प्रारंभ आयोजन से ही होता है, और जब जब संचालन की जरूरत होती है तब तब आयोजन करना पड़ता है। जहां जहां पर मैनेजमेंट की बात होगी वहां वहां पर आयोजन सबसे पहले आएगा। बाद में कौन आएगा, बाद में आएंगे व्यवस्था तंत्र, फिर कर्मचारी व्यवस्था, फिर मार्गदर्शन, फिर नियंत्रण जैसे कार्य होते हैं। लेकिन सबसे पहले किसका होता है, सबसे पहले आयोजन का होता है। उसके बाद बाकी कौन कौन आते, फिर व्यवस्था तंत्र आते, फिर कर्मचारी व्यवस्था आते, फिर मार्गदर्शन, फिर नियंत्रण, ये लोग बाद में आते हैं। लेकिन सबसे पहले कार्य कौन सा होता है, आयोजन का होता है। अब कहते हैं कि आयोजन चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया है, और बिल्कुल सही बात है भाई। आयोजन का जो डिसीजन होता है बच्चों वो सोच समझ के लेना पड़ता है, वो अनुमानों के आधार पर लिए जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए आयोजन चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया है। और बच्चों अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि आयोजन चैतन्य और बौद्धिक प्रक्रिया है, विधान समझाइए, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं 3 नंबर में, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों आयोजन जो होता है वो दिमाग से काम लेता है। बिकॉज अगर आप तुमने सही से डिसीजन नहीं लिया, तो भाई अगर आपने सही से डिसीजन नहीं लिया तो आपके साथ नुकसान भी हो सकता है। आयोजन बच्चों परिवर्तनशील है। आयोजन एक बार, ऐसा नहीं कि एक बार हमने प्लानिंग कर लिया, एक बार आयोजन कर लिया, बस वो लंबे समय तक चलता रहेगा, ऐसा नहीं बच्चों। आयोजन को डेली टू डेली लाइफ में आपको बड़ा परिवर्तन करना होगा। डेली आपको प्लानिंग करना होगा कि इतने दिन में मुझे ये कार्य करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हो कि बोर्ड में मुझे 95% लाना है, तो बच्चों आपको डेली टू डेली आपको बड़ा प्लानिंग करना होगा, और आपको प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है कि कौन सा सब्जेक्ट कब और कैसे और किस प्रकार से पढ़ना है। वो पूरा का पूरा बच्चों आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आयोजन एक परिवर्तनशील है बच्चों। आयोजन एक सावधानी है बच्चों। आयोजन भविष्य के लिए होता है। इसमें यदि कोई भविष्य में भविष्य को विषय को ध्यान में रखकर लिया जाता है, तो उसका अध्ययन करना बच्चों। बच्चों अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया है तो आप अपने फ्यूचर के लिए लेते हो। अगर तुमने गलती से भी बड़ा कोई गलत डिसीजन ले लिया बड़ा, तो आपका भविष्य खराब हो सकता है। इसीलिए कभी भी डिसीजन लो तो सबसे पहले बच्चों उसके बारे में जान लो, ठीक है, उसके बारे में सोच समझ लो, फिर उसके बाद आप विचार करो, उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए बच्चों, ठीक है। और आयोजन पूर्व अनुमान और अनिवार्य है। आयोजन बच्चों पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, पहले से बड़ा हमको हर एक चीज को डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे ये कार्य को ऐसे करना है, ऐसे करना है। अगर ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ये डिसीजन आपको पहले से लेना पड़ेगा, और पहले से आपको सोचना पड़ेगा, और पहले से उसके बारे में जानकारी एकत्रित करनी पड़ेगी, हासिल करनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चों आपको डिसीजन लेना होगा। यानी ये पूर्व अनुमान, पहले से हमें अंदाजा लगाना पड़ता है बच्चों। इसीलिए कहते हैं कि आयोजन एक पूर्व अनुमान अनिवार्य है।
ठीक है बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। विकल्पों की सूची। अरे बच्चों, बिजनेस कर रहे हो तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस भी होना चाहिए। सपोज मान लो बड़ा, अगर आप कोई वस्तु को, कोई प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, बेच रहे हो, तो अगर आपका सेल नहीं बिक रहा है, अगर आपकी कोई वस्तु नहीं बिक रही, तो उस समय आप क्या करोगे? आपके पास दूसरे भी विकल्प होना चाहिए कि अगर वस्तु ये चीजें नहीं बिक रही है तो हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन होना चाहिए कि कैसे उसे बेचना है। एडवर्टाइजमेंट करके बेच दो, विज्ञापन करके बेच दो, या मूल्य को या आपके प्राइस को कम करके बेचो, यानी एनीवे किसी भी तरीके से आपको क्या करना चाहिए, अपनी स्कीम को, अपनी वस्तु को बेचना चाहिए। या तो स्कीम निकालो, स्कीम ऐसा निकालो कि लोगों आकर्षण भी हो और लोगों को वो चीजें पसंद भी आए, तभी तो आपकी वस्तु को लेंगे। लोग वस्तु कब खरीदेंगे? जब आपकी वस्तु अच्छी होगी, आपकी वस्तु की गुणवत्ता अच्छी होगी और कम कीमत में होगी, और उसका जितना ज्यादा मार्केटिंग करोगे उतना ज्यादा आपकी वस्तु की बिक्री होगी। तो इसीलिए कहते हैं बड़ा, एक विकल्प होना चाहिए, एक सूची होना चाहिए, एक लिस्ट होना चाहिए आपके पास कि अगर मान लो मेरी वस्तु नहीं बिक रही है तो उसे मुझे कैसे सेल करना है, किस तरीके से बेचना है। और बच्चों, ये भविष्य के साथ संबंध है। आयोजन हमेशा भविष्य की अनिश्चितताओं को पूर्व विचार करना होता है, बाद में अनुमान और धारणा की जाती है। संक्षिप्त में कहे तो भविष्य में वर्तमान की मूल्यांकन करना, इससे संबंधित आवश्यक व्यवसाय करना, व्यवस्था करना आयोजन के साथ भविष्य का संबंध है। और भविष्य के साथ हमेशा संबंध होता है बच्चों, इसलिए क्योंकि जब हम आयोजन करते बड़ा, उसका संबंध हमेशा भविष्य के साथ होता है। क्योंकि मैं जब भी कोई डिसीजन लेता बड़ा, या जब भी मुझे कोई कार्य करना होता है, तो मैं हमेशा भविष्य को लेकर, फ्यूचर को लेकर काम करता हूँ कि अगर मैं आज ये वाला काम करूँगा तो शायद फ्यूचर में बड़ा मेरे पास इतने पैसे होंगे, या फ्यूचर में फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। उसी तरीके से बिजनेस बड़ा, जब तक बिजनेस चलता है बड़ा, तब तक आपको अपने भविष्य के बारे में सोचते रहना चाहिए कि बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे ग्रो करना है, वो चीज़ें। और बिजनेस बच्चों क्या है, आयोजन क्या है, सतत प्रक्रिया, आयोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और व्यवसाय की शुरुआत से अंत तक चलने वाली प्रक्रिया। जब तक बच्चों बिजनेस चलता है तब तक आयोजन होते रहता है, व्यवसाय की शुरुआत से लेकर के व्यवसाय के अंत तक चलती रहती है बड़ा, ये सतत प्रक्रिया है। उसमें समय, सहयोग और परिस्थिति के अनुसार बच्चों आपको परिवर्तन भी करने पड़ते हैं, इसलिए आयोजन एक सतत प्रक्रिया है। बच्चों ये विधान आपसे पूछ सकते हैं कि आयोजन सतत प्रक्रिया है, विधान समझाइए। उसके बाद आयोजन ध्येय लक्ष्य। बच्चों आयोजन बच्चों एक गोल अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे भविष्य में ये काम करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, अगर आपने लक्ष्य बना लिया बच्चों, तो समझ जाना आपके लक्ष्य डेफिनेटली पूरा होने वाला है बच्चों, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आयोजन ध्येय लक्ष्य बच्चों एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी से बच्चों, क्योंकि हम बड़ा कोई भी कार्य जब करते बड़ा तो एक डिसीजन बनाते हैं, गोल ओरिएंटेड बढ़ाई की, कि अपना एक लक्ष्य बना लो कि ये लक्ष्य तक मुझे पूरा करना है, किसी भी कीमत पे, किसी भी हाल में। तो वो पूरा करने के लिए बड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, आयोजन करना पड़ेगा। अगर आपने आयोजन किया है, प्लानिंग किया है कि मुझे बोर्ड में 95% लाना है, तो बच्चों ये आपका गोल है। अब इन्हें अचीव करने के लिए आपको किस तरीके से, कैसे वो काम को करना है, कैसे उस अपने लक्ष्य को अचीव करना है, वो आपको बड़ा क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आयोजन करना पड़ेगा। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी से ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है बच्चों। आयोजन निर्णय प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। आयोजन बड़ा, आयोजन जो बड़ा वो विविध प्रकार के विकल्प होते हैं, विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प को पसंद करना या कठिन होते हैं, इसलिए निर्णय प्रक्रिया आवश्यक है बच्चों। और बच्चों हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बड़ा, कि बहुत सारे हमारे पास विकल्प हैं, लेकिन उन विकल्पों में से बड़ा हमें श्रेष्ठ विकल्प कौन सा, हमारे लिए श्रेष्ठ रास्ता कौन सा, मतलब अच्छा रास्ता। आप मान लो टीचर ने बड़ा आपको 2 से 3 रास्ता बताया कि बेटा आप ये पढ़ाई भी कर सकते हो, बेटा आप ये पढ़ाई भी कर सकते हो, बेटा आप ये पढ़ाई भी कर सकते हो, लेकिन अब उनमें से कौन सी पढ़ाई आपको करना है वो तय कौन करेगा, आपका। अब टीचर तो बड़ा आपको हर एक तरीके से पढ़ाता है, अब टीचर आपके बड़ा 10 टीचर आपको पढ़ा रहे, अब 10 टीचर में सोचो आप लोग सिलेक्ट करोगे कौन बेस्ट है, उसे कहते हैं निर्णय प्रक्रिया। क्योंकि बड़ा वो आपके भविष्य के सवाल की बात है बड़ा। अब उसी तरीके से 10th और 12th में बड़ा जब आप ट्यूशन की एडमिशन कराते हो बड़ा, या स्कूल में एडमिशन करवाते हो, तो आप लोगों का एक टारगेट होता है
कि मैं ऐसी जगह पर पढ़ूंगा जहां पर मेरे नंबर अच्छे आ गए। और बच्चों आप लोग 10 से 5 6 जगह पर आप जाकर चेक भी करते हो कि मुझे यहां पढ़ना है, मुझे वहां पढ़ना है, मुझे वहां पढ़ना है, तो आप सभी जगह पर जाके चेक करते हो कि यार इन सभी में से ये क्लासेस बेस्ट है तो मैं यहीं पे एडमिशन कराऊंगा। तो वो क्या है, डिसीजन है। आप डिसीजन किसने लिया, आपने लिया कि सर मैं यहीं पढ़ूंगा बिकॉज ये क्लासेस मेरे लिए एकदम बेस्ट है। तो ये क्या है, आपने डिसीजन लिया ना। और भविष्य में अगर कुछ होनी या अनहोनी होता है वो भी भुगतान कौन करेगा, आप ही करोगे। इसलिए बड़ा इसको हमेशा सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए और जल्दबाजी में डिसीजन कभी मत लेना। आप पहले सोचो, समझो, विचारो, उसके बाद आपको डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे 11 पॉइंट आयोजन के लक्षण, और एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, वो सभी चीजें आपको याद होना चाहिए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि सर हम इस सारे पॉइंटों को याद कैसे रखें, सारे पॉइंटों को याद कैसे रखें, ये बहुत चिंता की बात है। तो बच्चों मैं आपको समझाता हूं, जब आप एग्जाम में बड़ा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एग्जाम में बच्चों जब आप एग्जाम में जब आपको पेपर आएगा तो अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो सबसे पहले आपको अर्थ लिखना है, फिर सारे पॉइंट को पहले एक पॉइंट को पूरा एक लाइन से लिख दूं, फिर एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन कर दूं। अब दिक्कत तो ये बात है सर, पॉइंट तो लिख देंगे लेकिन पॉइंट याद कैसे रखे, पॉइंट याद नहीं रखा है, यही तो बात है, पॉइंट याद नहीं रहता है, दिक्कत की बात ये है। अब मैं आपको सिखाता हूं पॉइंट याद क्यों नहीं रहता है। अब पॉइंट को याद करने के बाद जैसे यहाँ पर सर्वव्यापी लिखा ना, तो शुरुआत कहाँ से, सा, सा मतलब क्या होता है बच्चों, एस, उसका पहला पहला अक्षर लिखना, सा, सा मतलब सर्व प्रथम, चा ची मतलब चैतन्य मतलब सी एच, पी पी मतलब परिवर्तन सी, एस यानी सावधानी, पी यानी पूर्व अनुमान, ठीक है पूर्व अनुमान, फिर उसके बाद बच्चों वी मतलब विकल्पों की सूची, फिर उसके बाद क्या है बच्चों भविष्य के साथ संबंध, बी भी भविष्य के साथ संबंध, फिर उसके बाद सतत प्रक्रिया, एस यानी सतत प्रक्रिया, फिर उसके बाद क्या है बच्चों ध्येय मतलब कि डी एच ध्येय, फिर एन यानी निर्णय प्रक्रिया। ये देखो सारे पॉइंट शॉर्ट में लिख दिया, अब याद करने की टेक्निक सिखा रहा हूँ। जैसे एस से क्या बनता है बच्चों, तो हम बोलेंगे कैसे शुरुआत कैसे करेंगे, आयोजन सर्वव्यापी है, आयोजन सर्वप्रथम कार्य है, आयोजन चेतन और बौद्धिक प्रक्रिया है, आयोजन परिवर्तनशील है, आयोजन सावधानी है, आयोजन पूर्वानुमान है, आयोजन बौद्धिक प्रक्रिया है, आयोजन भविष्य के साथ संबंध है, आयोजन सतत प्रक्रिया है, आयोजन ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है, आयोजन नियंत्र निर्णय प्रक्रिया है। तो इस तरीके से बच्चों अगर आप ये पॉइंट लिख करके 2 से 3 बार इसको लिख करके प्रैक्टिस करोगे, डेफिनेटली कहता हूं बच्चों आपको हर एक पॉइंट इजी वे में याद हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, वंस अगेन एक बार फिर से, आयोजन सर्वव्यापी है, आयोजन सर्वप्रथम कार्य है, आयोजन चेतन और बौद्धिक प्रक्रिया है, आयोजन परिवर्तनशील है, आयोजन सावधानी है, आयोजन पूर्व अनुमान अनिवार्य है, आयोजन भविष्य के साथ संबंध है, आयोजन भविष्य के साथ संबंध है, आयोजन सावधानी है, आयोजन सतत प्रक्रिया है, आयोजन ध्येय लक्ष्य प्रवृत्ति है, आयोजन निर्णय प्रक्रिया है। तो देखो बच्चों ऐसे शॉर्ट में लिख करके बच्चों अगर तुम कोई भी पॉइंट को लिंक लर्न करते हो बड़ा, तो डेफिनेटली कहता हूँ बच्चों आपको वो पॉइंट एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। आयो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पहला क्वेश्चन काफी डिटेल में आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।